अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली। सर भाई, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। ये हमारे पास है ओल्ड लूसी, ये है हमारे पास लूसी ब्रेकर। लूसी ब्रेकर जब भी नाम आते हैं तो समझ लो कि ओल्ड ब्रेकर, ओल्ड स्विच के रहे। सही है, इसमें हमारे पास सिर्फ 3 पेयर होते हैं। सबसे उधर ये जो नारपन है, ये वाले, ये अल्फनार के और सीको वाले के, इसमें 3 पेयर है और एक न्यूट्रल हमारे पास होता है, वो मॉडर्न है और ये ओल्ड है। लेकिन अक्सर जगहों पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि क्योंकि वो अभी आए हैं, वो 3 पेयर और एक न्यूट्रल वाले वो अभी आए हैं, जबकि ये पुराने हैं। इसलिए अब जब अगर कोई स्विच गियर ख़राब होते हैं तो इसकी जगह हम वो वाले ब्रेकर सीमन जो जर्मनी में है, जो क्या कहते हैं, जिनकी जनरेशन जर्मनी में हुई है सीमन कंपनी की, तो वो वाले हम इस्तेमाल करते हैं। जब इसलिए कि वो बहुत ही इफेक्टिव क्योंकि उसमें 3 फेज के अलावा एक न्यूट्रल भी होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 फेज होते हैं, न्यूट्रल यहाँ पर नहीं होता। ये लूसी का है, लूसी स्विच गियर है और वो जो है ना वो हमारे पास है सीमन वाला स्विच। लो शो, ये दो गोरा। अच्छा, यहाँ पर जब ये स्विच गियर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर के साथ जो है ना वो कनेक्ट होते थे। यहाँ पर ये 3 फेजेस है, ये है और 3 फेजेस ये है। सही है, जब ग्रिड स्टेशन से बिजली आती है ना तो यहाँ पर इंटर होती है। सही है, और यहाँ से आउट होती है। जब यहाँ से आउट होती है ना तो ये जो है ना मज़ीद पंद्रह स्विच गियर के साथ जो है ना ये कनेक्ट होते हैं। सही है, और इसके साथ जब खुदा ना खास्ता कोई स्विच गियर जो है ना वो ख़राब होता है। सही है, तो हम सीको से बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो 15 के 15 स्विच गियर को फिट करता है और इसी स्विच गियर को हम इंसुलेट करते हैं और इसी स्विच गियर को हम मरम्मत करने के बाद ठीक करते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर हम हटा देते हैं और वो जो है ना स्विच गियर जो है वो फिर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।